हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक इन माय यूट्यूब चैनल रणबीर कुमार टेक्निकल। आज एक विशेष टॉपिक पे बात करेंगे और आपसे हम क्वेश्चन भी करेंगे कि इसका आंसर क्या होता है। ठीक है फ्रेंड्स, प्लीज कंटिन्यू। ये डायमीटर 47 है, यहाँ पे एंगल 20 डिग्री है, ठीक है। इसकी लेंथ है 20, तो इसमें एंगल दिया हुआ है 20 डिग्री का। इसमें आपको क्या निकालना है, ये जो डायमीटर रहेगा, ये डायमीटर कितना होगा, पहली बात। दूसरी बात, मैं एक बार यहां पे करता हूं, माइनर डाया, मैक्सिमम तो ये यहां पे है, ठीक है, मैक्सिमम दिया हुआ है, माइनर यहां पे दिया हुआ नहीं है, ये निकालना है। उसके लिए वन साइड डिस्टेंस 4 mm दिया हुआ है, ठीक है, पहली बात। दूसरी बात, यहां पे एंगल है 20 डिग्री, तो हम प्रोग्राम में कितना डालेंगे एंगल, प्रोग्राम में कितना डालें ताकि जब भी हम पार्ट बनाएं तो यहां पे ये एग्जैक्ट ये 20 डिग्री आपको मिले। तो अगर आप लोग यह वीडियो कंटिन्यू देख रहे हैं, कहीं स्किप नहीं करते हैं, पूरा कंप्लीट वीडियो देखते हैं, तो आप ये दो आंसर हमें आप दे सकते हैं कमेंट के जरिए। अगर आप स्किप करके देखते हैं, इंटरेस्टेड नहीं है, तो आप इसका आंसर नहीं दे सकते हैं, ठीक है। मेरी आप लोगों से ये रिक्वेस्ट है कि जितने भी वीडियो मैं अपलोड करता हूं, सारे काफी अच्छे होते हैं, काफी डीपली से अंडरस्टैंड किए होते हैं, तो हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि वीडियो को कंप्लीट देखें, स्किप नहीं करें। अगर आप करेंगे तो ये चीजें नहीं बता पाएंगे, ठीक है। जो जानते हैं वो हमें बताएं कि अगर 20 डिग्री एंगल दिया हो तो एंगल हम प्रोग्राम में कितना डालेंगे, एंगल 150, एंगल 140, एंगल 110, ये तीनों में हम कितना डालेंगे, ठीक है। आप कमेंट करके हमें बता सकते हैं कि हमें अगर 20 डिग्री कंप्लीट करना हो तो हमें कितना एंगल डालना पड़ेगा, ठीक है। दूसरी चीज, अगर आपको मैक्सिमम डायमीटर दिया हो और माइनर डायमीटर दिया नहीं हो तो हम कैसे निकालेंगे। जब भी आप टूल पाथ चलाएंगे तो आप हेसिंग करेंगे, उसके बाद आपको एक माइनर डाया पे टूल लेना पड़ेगा, फिर यहां से ये एंगल आपको देना पड़ेगा, फिर ये आप इसको मैक्सिमम डायमीटर आप बना सकते हैं। रूल्स तो यही कहता है ना कि टूल को हम कैसे ट्रेवल करेंगे, पाथ को कैसे क्रिएट करेंगे, वो प्रोग्रामर के हाथ में होता है, ठीक है। तो इस डायरेक्शन में हम एंगल कितना डालें, डायमीटर कैसे निकालें, ठीक है। जिन लोगों को जानकारी हो कमेंट करके जरूर बताएंगे।